अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे क्या हुआ विजर, आप फिर रुक गए? वैसे मारे को पता है आप क्या सोच रहे हो, यही ना कि मारे को नौकरी ना मिलेगी। हो सके आप सही सोच रहे हो, लेकिन हमारी अम्मा कहती थी कि सच्ची प्रार्थना में इतनी ताकत हो गए कि भगवान अपना लिखा भी बदल दे रहे हैं। वाह जादूगर, I like your spirit। अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ परिक्रमा लगाऊं क्या? लगा ही तो रहे हो। सेंस ऑफ ह्यूमर हा? अरे मतलब और कितने चक्कर अभी लगाने? 19। 19? हाँ मतलब 19। इकट्ठे 15-20 विशेष मांग ली क्या? चलो कोई बात नहीं, मेरी भी कार्डियो हो जाएगी जीवाने। कविता और करिश्मा कहाँ रह गए हैं? जादूगर एक बात बताओ, ऐसे परिक्रमा लगाते लगाते अगर मैं भी देवी माँ से कुछ मांगूंगा तो मुझे मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर सच्चे मन से मांगोगे ना तो दुगना मिलेगा। प्लीज देवी माँ, कुछ ऐसा करो कि हमारे 36 में से एक भी गुण ना मिले और मेरी उस हाई हील से शादी टल जाए। सही निशाने पर लगा है करिश्मा, कैरी ऑन। आंटी ढोक ना बेटा, माँ के दरबार में पहली ढोक उन्हें ही देनी चाहिए। अब आंटी अभी नहीं आया, आई वॉज थिंकिंग कि अगर उसके साथ ढोक देते तो। वो आता ही होगा, आओ। अभी अभी ड्राइवर की बेटी के साथ? ये वही लड़की है ना जो कल देवांश के साथ भी थी? ये ड्राइवर की छोरी ने हमारे देव का कोट पहन रखा है के? आई नो चंद्रिका, तुम अमीर गरीब छोटे बड़े का फर्क नहीं मानती हो, बट आई मस्ट टेल यू कुछ लोग कभी कभी ना फायदा उठाने से चूकते नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अभी के अभी ये चैप्टर खत्म कर देती। अविनाश 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 मासा, वो वसुवी मंदिर आई थी, मुझे दिख गई। तो तुम ये भूल जाओगे कि तुम चौहान खानदान से हो? बचपन से लेकर आज तक जो कुछ हमने तुम्हें सिखाया, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारा रहन सहन, इस परिवार की इज्जत, उसकी मान मर्यादा, सब कुछ भूल जाओगे। जानते हो ना सालों से इस मंदिर में हमारे परिवार को पहली आरती का मान मिलता आया है। पर मासा, ये हमारे हनुमंत काकू की बेटी वसु है। हम दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहे अविनाश, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं।
देवी हुकुम, इसमें अभी सर की कोई गलती ना है, मारे को नहीं पता था। तुमसे सफाई मांगी हमने। तुम्हारा जरूरी काम अगर खत्म हो गया हो तो जो करने आए थे वो करने जाए। देवी माँ, आज तो आपने मारी को बिना मांगे इतना बड़ा उपहार दे दिया। मारी को देवी हुकुम के दर्शन के साथ उनके चरणों की धूल भी मिल गई। सावित्री, उस लापरवाह लड़की की गलती के लिए माफ करना माँ। क्षमा करे गुरुजी, एक लापरवाह लड़की की पूजा की थाली हमारे पैरों पर गिर गई और हल्दी कुमकुम से हमारे पैर रच गए। देवी माँ ने स्वयं शुभ संकेत भेजा है। चंद्रका जी बिराजिए। प्रणाम गुरुजी। सावित्री, गुरुजी दोनों बच्चों की कुंडियां मिलानी है। दोनों परिवार चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। सब ठीक है ना गुरुजी? दोनों बच्चों के गुण तो मिल रहे हैं, किंतु एक अमंगल योग भी बन रहा है। तो कोई निवारण बताइए गुरुजी, जो भी उपाय करना पड़े, पूजा व्रत सवामणि हम सब करेंगे, बस हमारे दोनों बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए। बच्ची का नाम जन्माक्षर के अनुसार नहीं रखा गया था? हाँ, उस समय हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली चंद्रिका, इसके आने के बाद ना हमारी जिंदगी रातों रात बदल गई, मानो जैसे करिश्मा हो गया। बस फिर हमने इसका नाम करिश्मा ही रख दिया। पर आज इस नाम के कारण इस विवाह में अमंगल योग बन रहा है। दोनों बच्चों का विवाह तभी संभव है जब कन्या का नाम बदल दिया जाए। What rubbish! कितनी इलॉजिकल बातें हैं, आज के जमाने में सब कौन मानता है? कुंडली, ये दोष सब बेकार की बातें हैं। सुपर, थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दे हाई हील्स, फिर मासा तुझे ही चेंज कर देंगे। बेटा आप सब बाहर इंतजार कीजिए, हमें गुरुजी से कुछ जरूरी बात करनी है। जी आंटी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।